आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। गुना में रिश्तों का चीरहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। रिश्ते में मौसा कहलाने वाले 45 वर्षीय कांता राय ने अपनी ही भतीजी को 6 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं रेप के बाद पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर भी ब्लैकमेलिंग करते हुए 50,000 रुपए की मांग की गई। दरअसल 22 वर्षीय पीड़िता नागपुर की निवासी है, जो अपनी दीदी के साथ अशोकनगर जिले में आकर रहने लगी। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीड़ित महिला ने अशोकनगर से गुना जिले में रोजाना अप डाउन करते हुए अंग्रेजी की कोचिंग लेना शुरू की। रोजाना ट्रेन में बैठकर अशोकनगर से गुना पहुंचना और फिर पढ़ाई करना, इसकी दिनचर्या के बीच पीड़िता का जीवन गुजर रहा था। लेकिन कुछ वैश्यों की बुरी नजर पीड़िता पर पड़ गई। फिर क्या था, जैसे ही पीड़िता अगले दिन अशोकनगर से गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वैसे ही पहले से ताक में बैठे उसके रिश्तेदार आरोपी मौसा कांता राय ने उसे बेला फुसलाकर कोचिंग तक ले जाने की बात कही। अपने झूठे रिश्तों पर भरोसा करके पीड़ित महिला मौसा के साथ तो चल दी, तभी रास्ते में मौसा ने पीड़िता को चाय में नशीली दवा मिलाकर पिला दी, जिसके बाद महिला बेसुध हो गई। आरोपी मौसा ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर महिला को 6 दिन तक बंधक बनाकर रेप किया और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया और ब्लैकमेलिंग करते हुए 50,000 रुपए की डिमांड की। जैसे तैसे पीड़िता अपनी बहन के घर पहुंची, जहां उसने आप बीती सुनाई। महिला के जीजा ने आरोपी मौसा के खिलाफ गुना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। 40 किलोमीटर दूर जंगल में इनकी खेती बाड़ी है, इसके बाद खेती तो दूसरे की तरह थी, दूसरे की खेती बाड़ी करती है और इनको कैसे भी घर के पाल पोस के पढ़ाया लिखाया की चलेगी। भैया जी वो गुना आती थी ड्यूटी के लिए, गुना से उन लोगों ने कार में लेके गए उसको और रुमाल से कुछ सुंघा दिया, पैर गैरोस कर लिया कहाँ जंगल में लेके गए और उसके बाद में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वीडियो बना लिए। वीडियो के जरिए पैसे का डिमांड रखते थे, जब वो पैसे देने में असमर्थ हुई तो उन्होंने उनका उसका वीडियो उसके भाई के व्हाट्सएप पर डाल दिया। व्हाट्सएप पर डालने के बाद उसने डर के मारे कि मेरी शादी होने वाली है, नहीं बताया ये बात 3 महीने तक हम लोगों को। जब हद हो गई तो उन्होंने बता दिया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, तुम मुझे अपनाओगे या नहीं अपनाओगे। तो हमने बोला भैया तेरी मदद करने के लिए हम तैयार, और यहाँ पे उन्होंने इसके वीडियो बनाने के बाद 6 दिन गुना में भी किडनैप करके रखा। कोई नत्थू करके लड़का था, उसकी बहन है, उसकी बहन के पास एक और लड़की है, साहब मेरे पास एक फोटो और है। कितने पैसे को डिमांड की गई थी, कितने पैसे डिमांड की? 50,000 रुपये मांग रहे थे सर वीडियो डिलीट करने का, कि 50,000 रुपये देंगी तो वीडियो डिलीट करेंगे नहीं तो तेरा वीडियो वायरल करेंगे। ऐसे रिश्ते में कौन लगता है जो था? सगा मौसा है मेरा सगा मौसा है। लड़की कौन लगता है? लड़की मेरी साली है और वो मेरा सगा मौसा है और उसी के रिलेशन वाले हैं ये सभी लोग जो भी हैं, उसी के रिश्तेदार हैं। ये भी जो नत्थू नाम का लड़का है ये भी उसी का कोई रिश्तेदार लगता है। और भोलू वो उसके पापा टीचर हैं, उसके पापा का भी इसमें हाथ है थोड़ा ना थोड़ा। विनोद वो कर लिया जी, वैसे पता है जो मामला आया है क्या मामला है? अभी कुछ समय पहले एक महिला आई है अपने जीजा के साथ में, 3 महीने पूर्व ये अपने साथ अपहरण और कोई अश्लील वीडियो वायरल संबंधी घटना की आवेदन पत्र दे रहे हैं। इसके संबंध में जैसे ही ये इनका आवेदन पत्र प्राप्त होता है तत्काल हम लोग जाँच कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कहाँ से आई सर महिला? महिला बेसिकली रहने वाली नागपुर की है, लेकिन पिछले कुछ सालों से अशोकनगर रह रही थी, अशोकनगर में इसकी शादी हुई। पैसे को लेकर कोई वीडियो है क्या सर बनाना? नहीं, अभी ऐसा अभी तो चूंकि जो आए हुए हैं अभी आवेदन पत्र दे रहे हैं तो इसके बाद ही जाँच हम। नई गल्ला मंडी में गेहूं चना खरीदी केंद्रों पर किया कलेक्टर विजय दत्ता ने निरीक्षण, जिसमें किसानों को समस्या से निजात दिलाने की बात भी कही। रामपुर शाला झाजौन आदि की शिकायतें मिली, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर को सबसे ज्यादा चना केंद्रों की शिकायत मिली, मैसेज आने के बाद भी नहीं तुल रहा किसानों को अनाज। वहीं जिन किसानों को अनाज तुल गया है उन्हें अभी तक रुपया नहीं मिला। कलेक्टर ने आरोन तहसील के अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया उन्हें जल्द से जल्द पैसा मिले और जांच की जाए कि किस कारण किसानों को पैसा नहीं मिल पाया। कलेक्टर ने चना गुणवत्ता को लेकर भी समर्थन मूल्य केंद्रों पर काफी नाराजगी दिखाई। वहीं नापतोल को लेकर भी किसानों की शिकायतें मिली हैं। खाते में से पैसा निकालने जाते हैं तो पॉजिटिव आएंगे, कैसे निकाल पाएंगे?
ये तुम्हारी तुलाई होगी? नहीं, अभी तो नंबर डला है इस पे ना, वो आज होगी? आज ही होगी। मसूर में क्या रेट दे रहा? 42-42.50। और इसमें अपना सरसों 4000। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश ठेका होम कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन द्वारा निकाली गई रैली और दिया गया ज्ञापन। मजदूरों की मांग है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिनिमम वेतन 18,000 रुपए कर दिया गया है। कहा गया है कि इससे कम से कम किसी को मजदूरी न दी जाए, पर मध्य प्रदेश में आज भी मजदूरों को 200 और 350 से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती। यूनियन ने मांग की है कि जो केंद्र सरकार ने मजदूरी के लिए मिनिमम मजदूरी दरें लागू की हैं, उसके हिसाब से उन्हें मजदूरी प्रदान की जाए। चलते आपका ध्यान आकर्षण निर्णाम की मांगों पर किया जा रहा है। आशा है कि आपके द्वारा उचित विचार विमर्श करते हुए कारगर निर्णय लिया जाएगा। सबसे बड़ी मांग साहब एक है कि सेवन पे कमीशन ने ये कहा गया है कि 600 रुपए पर डे मजदूर को आदमी मिलना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन में जयस्तम चौराहे से हर क्षेत्र के मजदूर, जिसमें खेतियर मजदूर शामिल हैं, ठेला मजदूर शामिल हैं, निर्माण मजदूर शामिल हैं, खंभे पे चढ़ने वाले मजदूर शामिल हैं, नलियां बनाने वाले मजदूर शामिल हैं, ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूर शामिल हैं और पत्थर तोड़ने वाले मजदूर शामिल हैं। इसमें अधिकांश ज़्यादा महिलाएं भी हैं जो खेतियर मजदूर के रूप में काम करती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन रैली निकालकर जिला कलेक्टर महोदय को जो हमने ज्ञापन दिया है, उसमें मुख्य मांग हमारी ये है कि जो न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में राज्य सरकार ने 350 रुपये कर रखी है, वह सेंटर ने सेवंथ पे कमीशन के अंदर 600 रुपये पर डे 18,000 रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने किया। और ये भी कहा गया है उसमें कि इससे कम मजदूरी अगर मिलती है 600 रुपये पर डे से, तो उस मालिक को जेल में भेजा जाएगा। फिर भी हमारे संविदा कर्मचारी जो हमारे शिक्षा भाग में या हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, महिलाएं हैं और लोग भी हैं, तो उनको भी कम पेमेंट दिया जा रहा है। यानी 18,000 से कम कोई पेमेंट देगा तो वो जेल जाएगा, ऐसा नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह दिया, फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार ये लागू नहीं कर रही। हमारा मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है, वो ज्ञापन भी दिया कि वो का लागू करे। ग्राम मोड़की की महिलाएं पहुंची आज जनसुनवाई में। महिलाओं का आरोप है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन किसी को नहीं मिला और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी को कुटी मिली है। उन्हें पानी भी 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। आवेदन के माध्यम से उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उक्त सुविधाओं का लाभ उन्हें दिलाया जाए। पानी की व्यवस्था नहीं है गाँव में? पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं। राशन कार्ड तो कहाँ से लाते हो आप? पानी कितनी दूर से? और कोई समस्या? और चौथी बात है कि मोड़ का मैं एक भी पूरे परिवार में मतलब तीन राशन है, बीपीएल के, बीपीएल का राशन एक भी नहीं है। पुलिस चौकी की समस्या को लेकर मुरादपुर चक के पारदी पहुंचे जनसुनवाई में। पारदियों की मांग है कि मुरादपुर चक में पुलिस चौकी की स्थापना की जाए, जिससे कि वह भयमुक्त होकर निवास कर सकें। ग्रामवासियों का कहना है कि जो फरारी काट रहे हैं या अपराधी हैं, वह उन्हें आकर परेशान करते हैं, जिससे उनका वहां रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने इसकी शिकायत क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी की थी। सिंधिया द्वारा पुलिस अधीक्षक को लिखा खत उन्होंने दिखाया, जिसमें क्षेत्रीय सांसद ने ग्राम मुरादपुर चक में चौकी स्थापना करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक वहां पर चौकी की स्थापना नहीं हो पाई है। इसी की शिकायत को लेकर आज ग्रामवासी पहुंचे आवेदन देने। हमारा काम
पुलिस चौकी की समस्या है साहब, अस्थाई चौकी होना चाहिए हमको, और हमारे को बहुत परेशान करते हैं लोग बाग, जो फरारी लोग हैं बंदूकें लेके और हमारे गांव को लूटते हैं, बकरी ले जाते हैं, और हर व्यक्ति से परेशान करते हैं, जमीन जो जोत रहा है जबरा। दावड़ी पंचायत के ग्रामवासी आज पहुंचे जनसुनवाई में आवेदन देने। ग्रामवासियों की मांग है कि उनके ग्राम लाटोरी में किसी को भी प्रधानमंत्री आवास कोटी नहीं मिली है। इसी की शिकायत को लेकर आज ग्रामवासी कलेक्टर से मिलने पहुंचे। समस्या कोटरी नहीं आ रही हमारे साथ, कुछ आई है क्या? नहीं आई कोटरी कुटी? हाँ, किसी को नहीं मिली? किसी को नहीं मिली हमारे गांव वाले। कितने लोगों को नहीं मिली? 35-40 आदमी है। कौन से गांव से? राकोरी, तहसील छाछोड़ा, तो डावरे पंचायत। और सबको मिल गई? हाँ, नहीं गांव में नहीं मिली, पूरे गांव को नहीं मिली। नहीं गांव में मिल गई 2-4। आज कृषि उपज मंडी में हम्माल एवं गोदाम प्रभारी के बीच हुई झड़प, जिसके चलते हम्माल पहुंचे मंडी कार्यालय ज्ञापन देने। हम्माल का कहना है कि गोदाम प्रभारी द्वारा एक हम्माल को चांटा मार दिया गया, जिसमें हम्माल की कोई गलती भी नहीं बताई जा रही। वहीं गोदाम प्रभारी द्वारा बताया गया कि उन्होंने किसी को चांटा नहीं मारा। दोनों ही पक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। दूसरी बात ये है, किसी प्रकार का मैंने अपनी समाज अभी तक मुझे प्रेम से बोला हूँ, प्रेम से तुमसे बोलते, तुम भी प्रेम से बोलते तो बताएं आज क्या घटनाक्रम हुई है मंडी परिसर में? सी जी क्या गोदाम प्रभारी है और वो गोदाम पर पहुंचे तो कुछ हम्माल चने का ट्रक उतार रहे थे। चने का ट्रक उतार, एक आध बोरी उसमें खाली आ गई होगी, तो ये खाली बोरी के विषय में हमारे पास कोई सीने के लिए कोई साधन नहीं रहता है, तो उसको स्टेक में लगा दी थी। तो उसको स्टेक में लगाने के कारण रघुवंशी साहब ने उस हम्माल में, जगदीश नाम का हम्माल है गुजर, उसमें चांटा मार दिया। कल क्या हुआ, समिति बामोरी के खुले बोरे आ रहे थे, मैंने इन लोगों से मना किया कि लाठ स्टेक में मत लगा, खुले बोरे अलग रखो। इन लोगों ने स्टेक में लगा दिए, नीचे बोरे लगे हुए थे लेयर में से हटाए, खुले बोरे हटाने का मैंने कहा इनसे कि इनको हटा दो और इनको सिलवा करके अपन लगवा लेंगे। इन्होंने क्या किया कि एक 2-3-4 बोरे हटा दिए गए और एक आदमी उसी पे खड़ा हुआ था जो खुला बोरा था। मैंने कहा हटा दी कि हटा दी, मैंने देखा ये बोरा खुला लगा हुआ था और तू उसी पे खड़ा है, चलो फैल रहा है। तो क्या कहता है कि मेरी जानकारी, मैं नहीं करता हूँ ये काम, मैं पीठ चलाता हूँ। तो मैंने कहा भला कौन उठा के रखेगा इसको? उसने मेरे से, मैंने कहा अच्छा ही बोल रहा था, मैंने कहा बेवकूफ तू, क्या कहते हैं खुले बोरे में लाद डाले, चलो फिट कर रहा है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा उनको वो कर दिया, इसमें अरे हमारे हम्माल से आगे अगर रघुवंशी जी को कोई कारण से कुछ गलती नजर आई होगी तो कहीं हाथ उठा दिया थोड़ा सा उन्होंने, कोई अज्ञानतावश ऐसा हो गया, मतलब कोई उनका जानबूझ के इरादा नहीं था, गलती छूट गया, वो आगे से भविष्य में ऐसा काम नहीं करेंगे। आज चूंकि मजदूर दिवस है तो थोड़ा हमें अच्छा भी नहीं लगा, उन्होंने लिखित में आवेदन भी दिया, उन्होंने शिकायत की है, इसलिए उनको हमने कांटे से बुला कर उनको समझाया है और समझाइश भी दे रहे हैं बराबर, ठीक है, और भविष्य में अगर ये गलती करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। सर हम लोग बोल रहे हैं ऐसे आगे भी हाथ उठाया है, वो पहले भी एक बार कोई घटना हुई है, इस तरह की घटना हुई है, उनको दो बार समझाइश दे चुके हैं इनको कि आप इस तरह की गर्मजोशी काम मत किया करो, क्योंकि हमारे साथी हमारे साथी हमारा उनके बिना काम नहीं चल सकता, उनको तो बेचारे दैनिक मजदूर पर काम करने आते हैं, ठेकेदार इनको भुगतान देता है, उसी आधार पर काम करते हैं। भाई ट्रक में कोई बोरी खराब कर खुली आ गई या बंदी आ गई जो भी आ गई तो अपन समिति को बुला के उससे ठीक करा लेंगे। अब वैसी भविष्य में ना करें गलती, आप कोशिश ये करिए आप इस तरह की कोशिश ना करो, आपको कोई गलती न समझ में भी आती है तो आप इनको बोलो, सिर्फ आप इनके प्रति अधिकृत है और आपकी ये नहीं सुने तब हम अधिकृत है आपको।
नजूल कॉलोनी से लगी सरस्वती विहार कॉलोनी के लोग व वहां पर मौजूद स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राएं सड़क नहीं होने से झेल रहे भारी परेशानियां। हम आपको बता दें कि गुना से सोनी कॉलोनी से लेकर बूढ़े बालाजी स्थित श्रीराम मुक्ति धाम तक नगर पालिका ने नई रोड बनवा दी है, लेकिन उसी मार्ग के बीच से निकलने वाली कच्ची सड़क जो सरस्वती विहार कॉलोनी को जाती है, वहीं छात्र छात्राओं को रोड निर्माण न होने की वजह से 5 किलोमीटर तक घूमकर जाना पड़ता है। और अगर इस सड़क का निर्माण हो जाता है तो महज छात्र छात्राओं को 1 किलोमीटर का ही सफर तय करना पड़ेगा। स्कूल के संचालक व छात्र छात्राएं आखिर नई उम्मीद लेकर जिला कलेक्टर के पास जनसुनवाई में पहुंचे और गुना कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताई। नगर पालिका में आप बोल चुके हैं, तो उन्होंने क्या जवाब उनकी तरफ से मिला, अध्यक्ष जी की तरफ से क्या जवाब मिला? मैं उनसे मिल चुकी हूँ, पर्सनली मैं उनके कार्यालय में भी मिल चुकी हूँ, मैंने उनसे निवेदन भी किया है, पर अब मैं उस चीज़ को नहीं ज़्यादा ओपन करूँगी। क्यों नहीं कर रहे ये आप देखिए, थोड़ा आप लोगों का प्रेशर बनेगा तो मेरे हिसाब से ये काम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता है सरस्वती विहार कॉलोनी से नजूर कॉलोनी आना पड़ता है। ये सैंक्शन हो गई है, 5 किलोमीटर रास्ता लंबा पड़ता है। क्या ये रोड सैंक्शन हो गई है? ये रोड सैंक्शन हुए सर 4 साल हो चुके हैं। मकसूदनगढ़ जंजाली सड़क खराब होने के कारण एक और सड़क दुर्घटना मकसूदनगढ़ में देखने को मिली। रात के समय गुना से मकसूदनगढ़ को आने वाली पूजा बस स्टेयरिंग फेल होने के कारण एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनमें से 3 यात्रियों को घायल अवस्था में इलाज के लिए मकसूदनगढ़ अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर मुकेश शर्मा द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। इस सड़क दुर्घटना ने एक बार फिर मकसूदनगढ़ जंजाली सड़क की खराब स्थिति पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सुदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। गुना जिला अस्पताल के नर्स स्टाफ हो रही परेशान। हम आपको बता दें कि पिछले 7 माह से वेतन न मिलने के कारण गुना जिला अस्पताल की 39 नर्सें बेहद परेशान स्थिति में आ गई हैं। आखिरकार परेशान होकर उन्होंने जिला कलेक्टर से पास आना ही बेहतर समझा और आज मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची। वहीं जनसुनवाई में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी CMHO डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी भी मौजूद थे, तो उन्होंने सभी नर्सों को देखकर उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की। जब हमने डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने हमें बताया कि ये बात अभी तक उनके संज्ञान में नहीं थी, और जब आज मुझे इस बात का पता पड़ा है तो नर्सों की समस्याओं को समाधान करने की कोशिश वे जरूर करेंगे। हमने नर्सों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर विजय दत्ता से भी बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि अगले 3 दिन में इनकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। Thank you.
कितने महीने की? 7 महीने तो आप कितने लोग ऐसे हो जो पीड़ित हैं? 39 तो कब से आप नौकरी कर रहे हैं जिला अस्पताल में? 7 महीने हो गया है। आपने सी की शिकायत नहीं करी थी पहले? किस चीज़ के आप लोग क्या कर्मचारी की सुनने हो? स्टाफ नर्स का हॉस्पिटल गुना में पोस्टेड है एज ए न्यूली पोस्टेड स्टाफ नर्स और सितंबर और अक्टूबर से हम लोगों की ज्वाइनिंग है। जो बीएससी वाले हैं उनकी सितंबर से ज्वाइनिंग है, जो जीएनएम वाले अक्टूबर से, और 8 और 7 महीने से हमारा वेतन नहीं है। हम लोग बहुत परेशान, इसकी कंप्लेन हम लोगों ने सी सर को की थी, सर ने एक्शन लिया, पर बाबू हम लोग को बहुत टाइम से टाल रहे हैं। कौन है बाबू? सौरभ साहू। एक्चुअली जो नवनियुक्त जो भी कर्मचारी होते हैं उनका प्राण नंबर को अप्लाई करते हैं, कुछ कर्मचारी की लापरवाही से जो हो सकता है, कुछ प्रक्रिया से हो सकता है, या कभी जो है मतलब ऐसी या कर्मचारी को नहीं आता हो, इससे भी हो सकता है। तो लेकिन हमारी जानकारी में ये आज ही आया है और हम 2 दिन के अंदर हम इनका सब पूरा मामला निपटा लें। कितनी कर्मचारी जी? कितने कर्मचारी हैं ये नवनियुक्त स्टाफ नर्सेज हैं? 39 लड़कियां हैं और इनमें से जो है अब हम तत्काल से करके अभी टीजी ऑफिसर से ही बात हो गई है। सैलरी कितने महीने की नहीं मिली इनको? ये जब से अपॉइंट हुई है तब से इनको एक्चुअली जो पहली सैलरी होती है उसके लिए प्राण नंबर चाहिए होता है, फिर अपन कंटिन्यू हो जाते हैं। तो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो अनुकंप नियुक्ति वगैरह के आए हैं जिनको बनाना भी नहीं आता, अनुकंप नियुक्ति वाला है। लगभग अभी सैलरी कितने महीने? लापरवाही भी हो सकती है। सैलरी कितने महीने रुकी इनकी? इनको 7 महीने। चांचौड़ा पुलिस द्वारा 2 साल से फरार वारंटी तकत सिंह पुत्र पन्नालाल भील को गिरफ्तार किया गया। चांचौड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी हत्या और बलात्कार जैसे कई संगीन मामलों में लिप्त था, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि आरोपी अपनी ससुराल में छुपा हुआ है, जिस पर थाना प्रभारी प्रवीण सिंह चौहान ने अपनी टीम के साथ मिलकर दबिश देकर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया। ये विजयपुर थाना के अंतर्गत ये घटनास्थल आता है। ग्राम दौराना में भगवत सिंह जी द्वारा जो है कैरियर समाज की महिला से शादी करके उसको रख रखा था। तो घटना चलान को जो है तगत सिंह और भगवत दोनों वहाँ पर गए थे और महिला की जो है उनके द्वारा जो है हत्या की गई। हत्या के उपरांत जो पुलिस विजयपुर थाना विजयपुर द्वारा जो है भगवत सिंह को आरोप गिरफ्तार कर लिया था, किंतु घटना के पश्चात से जो तगत सिंह भी जो है ये फरार चल रहा था। इसके ऊपर जो है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। अभी मुख्य द्वारा सूचना मिली थी कि जो तखत सिंह भील जो कि 10,000 का इनाम है ये महेश्वरा में अपनी ससुराल में आया हुआ है। इसी सूचना के आधार पर जो है सीआई चाचौड़ा और उनके स्टाफ द्वारा दबिश दी जाकर आरोपी तखत सिंह भील को गिरफ्तार किया गया और इसको जो है यहाँ गिरफ्तारी उपरांत जो है इसको थाना विजयपुर भेज दिया ताकि जो अग्रिम कार्रवाई है या विवेचना है जो पूर्ण हो सके। उसमें सीआई साहब का हमारे और आरक्षक राकेश, आरक्षक कमल, आरक्षक जीतू और आरक्षक पवन अलारे इनकी जो मुख्य भूमिका रही है उसको गिरफ्तार करें। वो 10,000 का नाम था पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रतिदिन भेजा जा रहा है जिससे इनको इनाम से जो है किए जा रहे हैं इनाम से। डीजीएनए न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।